बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार रेसिपी बीफ स्टेक की विद गार्लिक राइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी मजेदार मजेदार रेसिपीज मिलते रहे। और आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अंडर कट के पीस लिए हैं, इनको थोड़ा सा बारीक बारीक लिया है मैंने, नॉर्मल मतलब स्लाइसिस में काट लिया है। और अगर आप वैसे लेना चाहें, अगर आप नॉर्मली जो स्टेक के स्लाइस होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, इसे थोड़े से मोटे रखिएगा। और एक दिन के लिए मैरिनेशन इसकी लाजमी होती है कि एक दिन मैरिनेट हो तो और ज़्यादा इसका अच्छा आता है टेस्ट। यहाँ पर मुझे अर्जेंट बनाने थे बीफ स्टेक, तो मैंने नॉर्मल अर्जेंट इसलिए नॉर्मल स्लाइसिस लिए हैं। इसके स्टेक को बनाने में जो है मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैरिनेशन का ही टाइम होता है असल में। और बीफ स्टेक के थोड़े से मोटे होते हैं पीसेस। मुझे नॉर्मली ये है कि मेहमान आ रहे थे, लाजमी अर्जेंट बनाना था, तो मैंने इसलिए इस तरह के स्लाइसेस रखे कि ना बहुत ज़्यादा पतले हो ना बहुत ज़्यादा मोटे हो, कि गलने में थोड़ा सा मसला हो। तो इसको मैंने 2-3 घंटे ही मैरिनेट किया होगा। यहाँ पर लेना है थोड़ा सा लहसुन, फ्रेश लहसुन लें, उसको अच्छी तरह से क्रश कर लें, कूट लें। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्ची ली, 1 टीस्पून इसमें जो है वो कुटी हुई मिर्ची ले लेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और बाकी जो है 1 टेबलस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया हल्दी से, और 1 टीस्पून जो है वो चिली सॉस ऐड कर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक दिन के लिए लास्ट में इसको छोड़ देंगे मैरिनेट करके। और अगर वैसे अर्जेंटली बनाना तो कम से कम 2-3 घंटे तो इसको लास्ट में मैरिनेट करके रखें। अंडर कट वैसे भी जल्दी गल जाता है, पर मैरिनेट ज़्यादा देर यूँ करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा मतलब बीफ में जो है वो टेस्ट आ जाए। और अच्छे से मैरिनेट होगा तो अच्छे से हमारा जो मसाले होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है बीफ, इसलिए और मज़ेदार बनता है स्टेक। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट किए, लंबाई में वेजिटेबल्स को कट कर लें जिस तरह मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। और थोड़े से वेजिटेबल्स जो है मैंने चॉप कर लिए हैं कि जो बच्चे हैं छोटे वो चॉप वेजिटेबल्स आराम से खा लेते हैं, लंबाई जो होती हैं उसमें थोड़ा सा मसला होता है, खाने में अच्छी भी नहीं लगती उनको, तो इसलिए मैंने चॉप कर ली। आप जो जो वेजिटेबल्स जो हैं ऐड करना चाहें वो अपनी पसंद से कर सकते हैं, गोभी है और जिस तरह से जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। बाकी ये जो स्टेक में जो चीज़ें डलती हैं वो यही हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है और कॉर्न हो गए, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि थोड़े सी अच्छे लगें, कलरफुल मतलब स्टेक में अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने आपको आलू जो है वो कट करके दिखाए कि इस तरह से जो बाजार में मिलते हैं ना चिप्स वगैरह उस तरह से कट होते हैं। और यहाँ मैं बनाऊँगी वाइट सॉस, जो स्टेक की जान है, जो लाजमी स्टेक में लाजमी सॉस का ही सारा कमाल होता है। तो इसको अच्छे से सीखें, इसको अच्छे से देखें। और यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया बटर, 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड किया, अच्छे से इसको भूना और 1 कप जो है वो दूध इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे इसके सारी गुठलियाँ वगैरह जो है इसके ख़त्म हो जाएँ। और 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया, और 1/2 टीस्पून ही इसमें जो है हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, फ्लेवर जो है इसको अच्छा सा देते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी इसमें ऐड करी, और 1 चुटकी भर डाल दें थोड़ा सा बस फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। और 1/2 कप जो है वो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर दिया, चेडर चीज़ का जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए चेडर चीज़ ऐड की है। और इसको अच्छे से पकाएंगे, चीज़ जो है बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है कि चीज़ जो है सॉस जो है वो जले ना, और चीज़ भी हमारा जो है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो जाए। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर भी इसलिए ऐड करेंगे कि बहुत ज़्यादा नमकीन सॉस ना बनाए हमारा, हल्की सी मिठास सॉस में अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने नमक इसमें वो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी। और जब सॉस में हमारा जो है चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो, उसके बाद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। यहाँ हमने चिप्स जो है वो फ्राई करने रख दी है, हमारे चिप्स फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे ग्रिल पैन ले लिया, हल्का सा उसमें ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, नॉर्मल इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर अपने स्टेक के पीसेस ऐड करेंगे, अच्छे से पहले ऑयल सारा ग्रिल पैन पर फैला लें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, नॉर्मल ऑयल है, और इतना ही हो कि बस नॉर्मल से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर हमने बीफ के जो स्टेक के पीसेस थे वो इसके अंदर अब हम फ्राई करेंगे, हल्के से ग्रिल करेंगे, फ्राई भी क्या करेंगे, ग्रिल करेंगे, और अच्छे से इसको ग्रिल करना। और इतने मज़ेदार ग्रिल होते हैं ना, और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, क्योंकि इसके जो लहसुन वगैरह हमने बिल्कुल फ्रेश लेना है, और बाकी जो सॉसेस वगैरह मसाले वगैरह जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो वो इतना अच्छा फ्लेवर देते हैं स्टेक का कि आप इसको उसको अगर ऐसे भी खाना चाहें ना तो आप नॉर्मल इसको ऐसे ही रूखा भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गार्लिक राइस ही हो हमारे पास, ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं।
और यहाँ अच्छे से स्टेक के पीसेस को जो ग्रिल कर लेना है 10 मिनट एक साइड 10 मिनट दूसरा साइड। तो इसी तरह से साइड चेंज करके और हमारे जो स्टेक है वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी गार्लिक बटर राइस, जो लोगों को बाकी बहुत पसंद होता है और बनते भी बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर लिया है, तो हाफ कप ऑयल ले लें, अगर ऑयल कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो। और यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब जो हम गार्लिक जो है लहसुन जो है वो कुटा हुआ उसमें डालेंगे, फ्रेश लहसुन हो बिल्कुल। और यहाँ जो है हरी प्याज ले लेंगे, सिर्फ हरी प्याज के जो है पत्ते लेने, उसको बारीक बारीक जो है वो काट के अच्छे से डालें, इसलिए एक तो ग्रीनरी भी ऐड करता है और थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छे से आता है बटर राइस में। और 1 टेबल 1 टीस्पून जो इसमें नमक ऐड किया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस हमने इसमें ऐड किया। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे, और सारे चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमारे जो सारे मसाले हमने ऐड किए हैं और जो वेजिटेबल्स वगैरह थी सब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम डब पर रख देंगे चावलों को, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए चावलों में। और यहाँ हमारे फिर चावल 10 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छे से सौते कर लेंगे, थोड़ा सा मक्खन लेंगे, थोड़ा सा बटर लेंगे, इसके अंदर हम सब्जियों को थोड़ा सा सौते करने के बाद नमक मिर्ची थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल ये है कि चुटकी पर नमक डालें, चुटकी पर थोड़ा सी काली मिर्ची नमक से फ्लेवर देने के लिए, और हल्का सा चिली सॉस और सोया सॉस इसमें ऐड कर दें थोड़ा थोड़ा, हाफ टी स्पून के करीब। और अच्छे से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना सब्जियाँ जो है क्रंची नहीं होंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉगी सॉगी हो जाएंगी, बस ये थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ ऐड करें कि बस हल्का सा फ्लेवर दें सब्जियों में। और ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़े से कॉर्न ऐड किए हैं, एक तो कलर भी अच्छा आता है और सब्जियों के साथ, और दूसरा ये कि फ्लेवर भी अच्छा आता है। और यहाँ बच्चों की जो सब्जियाँ थी जो चॉप करके रखी थी, तो उसको भी मैंने इसी तरह से सौते किए हैं, और सारी चीज़ें वही ऐड किए, नमक काली मिर्च और सोया सॉस चिली सॉस बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐड कर लें। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा सौते करेंगे वरना जो सब्जियाँ हमारी वो सौखी हो जाएंगी, हमें क्रंची क्रंची सब्जियाँ चाहिए होती हैं, क्रंची सब्जियाँ ही स्टेक में अच्छी लगती हैं, सौखी हो जाएंगी तो बिल्कुल मतलब अजीब सी लगेंगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। और यहाँ मैं आप प्लेटिंग करने लगी हूँ, इसी तरह से थोड़े से कोई भी प्याले लेंगे उसमें चावल को प्रेस करके आप इस तरह से सर्व करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्विंग करें, आप प्रेजेंटेशन करें अपनी प्लेट की, तो मेहमानों को भी अट्रैक्ट करके देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ यार स्टेक बिल्कुल बाहर जैसा स्टेक लग रहा है घर में। तो इन चीज़ों का लास्ट में ख्याल रखें, ही नहीं कि आपने चावल डाल दिया एक जगह स्टेक डाल दिया ऐसे ही आपने सर्व कर दिया, तो चाहे आपने कितने भी मज़ेदार स्टेक बनाया हो तो वो आपकी बात ही नहीं आती, लगता ही नहीं कि रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक है। तो लास्ट में अपनी प्लेटिंग पर जो है वो तवज्जो रखिएगा और इसी तरह से प्रेजेंट करिएगा अपने स्टेक को। और यहाँ मैंने जो वाइट सॉस बनाया था चीज़ी वाइट सॉस वो भी ऐड कर दिया, और चीज़ी सॉस था एक मैंने बनाया हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड किया, तो ये है कि अच्छा फ्लेवर देते हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक जरूर देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।